subscribe to Mufti Tariq online and press the bell icon for more videos. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Samein, chhe qism ke log aise hain ki jin ke liye roza chhodna jaiz hai. Unke liye shariat ne roza chhodne ki ijazat de rakhi hai. Agar wo roza chhod dete hain to gunahgar nahi honge, lekin baad mein phir un chhode gaye rozon ki qaza karna unke upar lazim hai. To wo kaun se chhe log hain कि जिनके लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है. नंबर एक पर है मुसाफिर, यानी जो सफ़र कर रहा है. अब सफ़र से मुराद ये नहीं है कि 20 किलोमीटर या 40 या 50 किलोमीटर का सफ़र है और वो रोज़ा छोड़ दे कि जी मैंने आज सफ़र करना है तो मैं रोज़ा नहीं रखता. तो ये सफ़र यानी 20-30 किलोमीटर का सफ़र कोई माना नहीं रखता. सफ़र से मुराद सफ़र शरई है, यानी कम अज़ कम 92 किलोमीटर का सफ़र हो या फिर इससे ज़्यादा का सफ़र हो. इस सूरत में मुसाफिर के लिए इजाज़त है कि अगर वो रोज़ा छोड़ देता है तो गुनाहगार नहीं होगा. लेकिन हाँ, अगर रोज़ा रखने में उसे कोई तकलीफ़ या मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा, जिस तरह के आजकल आरामदेह सफ़र की सहूलियात मयस्सर हैं, तो इस सूरत में अगर मुसाफिर रोज़ा रखना चाहता है तो रख सकता है और उसे दुगना अजर मिलेगा. लेकिन अगर नहीं रखता तो गुनाहगार नहीं होगा, मगर बाद में उस रोज़ा की कज़ा ज़रूर करे. दूसरे नंबर पर है हामला औरत, यानी जिस औरत के पेट में बच्चा है उसके लिए भी रोज़ा छोड़ने की रुख्सत है. अगर उसे यकीन हो कि मैं रोज़ा रखूँगी तो बच्चे को नुकसान होगा तो वो रोज़ा छोड़ सकती है. तीसरे नंबर पर है बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत, यानी जो औरत बच्चे को दूध पिलाती है उसके लिए भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है. अगर उसे ये यकीन है कि मैं रोज़ा रखूँगी तो बच्चे के दूध पीने की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो सकेगी, तो इस वजह से उसे रोज़ा छोड़ने की रुख्सत है. चौथे नंबर पर है मरीज़, यानी अगर मरीज़ को मर्ज बढ़ जाने या फिर देर से तंदुरुस्त होने का यकीन हो, या इसी तरह तंदुरुस्त तो है लेकिन रोज़ा रखेगा तो बीमार हो जाएगा, उसे डॉक्टर कह देता है कि अगर रोज़ा रखोगे तो बीमार हो जाओगे, तो फिर इस सूरत में भी उसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, मगर बाद में अपने उन छोड़े गए रोज़ों की कज़ा लाजमी करे. पाँचवें नंबर पर है शायख फ़ानी, यानी ऐसा बुज़ुर्ग कि उसकी उम्र का आखिरी हिस्सा चल रहा है, वो रोज़ा रखना अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है. हाँ, अगर ऐसा बुज़ुर्ग है कि वो गर्मियों में तो रोज़ा नहीं रख सकता मगर सर्दियों में रख सकता है, तो फिर उसके लिए सर्दियों में उन गर्मियों के छोड़े गए रोज़ों की कज़ा करना लाजमी है. हाँ, अगर ऐसा बुज़ुर्ग है कि उसके लिए सर्दियां गर्मियां बराबर हैं, यानी उसके लिए रोज़ा रखना बर्दाश्त नहीं हो सकता, तो उसके लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है और फिर इस सूरत में उस पर कज़ा भी नहीं है, बल्कि अब वो अपने उन छोड़े गए रोज़ों का फ़िदिया अदा कर दे. छठे नंबर पर है मुजाहिद, यानी जो जिहाद पर निकला है उसके लिए भी रोज़ा छोड़ने की रुख्सत है. तो ये छह लोग हैं जिनके लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है. अगर ये रोज़ा छोड़ देते हैं तो गुनाह नहीं मिलेगा. लेकिन शेख फ़ानी के अलावा, यानी जो बिल्कुल बूढ़ा है, उसके अलावा बाकी जो लोग हैं वो अपने रोज़ों की कज़ा करेंगे, उनके ऊपर कज़ा करना लाजिम है, यानी जब भी उनको मौका मिले तो वो उन छोड़े गए रोज़ों की कज़ा ज़रूर करें. उम्मीद है बात समझ आ गई.